हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जो Realme 6i स्मार्टफोन है हमारा यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio G90T जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। जबकि अगर आपसे बात करूँ मैं Realme 7 की यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio G95 जो कि अगेन एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। अब दोस्तों जो G95 है और जो G90T है, यहाँ पर जनरेशन का डिफरेंस है, यानी कि जो G90T का सक्सेसर है वो G95 है। तो हम यहाँ पर देखने वाले कि जनरेशन में जो है कितना फर्क आया, कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं जनरेशन में। तो यानी कि इन दोनों स्मार्टफोन का एकदम डिटेल स्पीड टेस्ट कंपेरिजन होने वाला है इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों इस वीडियो को आप Realme 6 एंड 6i का कंपैरिजन कह सकते हो Realme 7 के साथ में, क्योंकि जो Realme 6 एंड 6i है यहाँ पर आपको सेम हार्डवेयर मिल जाता है, यानी कि सेम प्रोसेसर और सेम रैम देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो आप इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन भी कह सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर जो है मैं एक काउंटर भी ले आया हूँ ताकि हम जो लाइव जो अपने नंबर हैं वो काउंट करते रहें। तो काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ साथ चैनल पर हमारे पहली बार आओ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना इस वीडियोस और देखने के लिए। और दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की रिटेल नोट की अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड ले आया हूँ। यह है Realme 7 स्मार्टफोन एंड यह है Realme 6i स्मार्टफोन, बाकी मैंने यहाँ पर ऊपर भी लिख दिया है। तो सबसे पहले जो है हम फिंगरप्रिंट स्कैनर टेस्ट कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स का। तो मैंने जो है इस वाली उंगली को सेट कर दिया Realme 6i के लिए और अपने अंगूठे को Realme 7 के लिए। सो मैं टैप करूँगा, अनलॉक हो गया। तो दोस्तों लगभग सिमिलर टाइम पर अनलॉक हो रहे हैं दोनों ही, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात थी फिंगरप्रिंट स्कैनर की, दोनों एकदम इक्वल से ही हैं। तो अब जो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं सेम वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स को, और ऑटो रोटेशन दोनों स्मार्टफोन को ऑन है, बाकी और कुछ ऑन नहीं है। जो अदर ऑन है तो बंद कर देता हूँ मैं। तो बाकी स्मार्टफोन को जो एरोप्लेन मोड पर लगा देता हूँ क्योंकि इसमें अभी सिम है, और बाकी जो रिंग है तो रिंग दोनों में रिंग है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एरोप्लेन मोड पर लगा दिया है ताकि जो मेरा फ़ोन वोन है वो ना आए और मेरी वीडियो जो ख़राब ना हो। और बाकी मैंने सेम वाईफाई से इसे कनेक्ट कर लिया है दोनों स्मार्टफोन्स को। इसको बंद कर देते हैं अभी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम अपना स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और मैंने यहाँ पर सब कुछ जो है क्लियर कर दिया है जैसे आप लोग दोस्तों देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गीक बेंच से, तो देखते हैं कौन सा पहले ओपन होता है। सो 1 2 3। तो दोस्तों गीक बेंच जो यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में पहले ओपन हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो एक पॉइंट Realme 7 को मिलेगा यहाँ पर। तो हम रन करते हैं CPU बेंचमार्क, और 2 मिनट लग जाएंगे इसको रन होने में। तो 2 मिनट बाद आपसे मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है Realme 6i स्मार्टफोन विनर है, यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है रिजल्ट। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट दूंगा Realme 6i को, जबकि Realme 7 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी कैलकुलेट हो चुका है रिजल्ट। और दोस्तों आप जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर सिंगल कोर में जो है Realme 6i स्मार्टफोन आ गया, जबकि मल्टी कोर में यहाँ पर Realme 7 आ गया। तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों स्मार्टफोन में जो है स्कोर के, तो लगभग सिमिलर से आपको स्कोर यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम डिस्क स्पीड की, तो इसको ओपन करते हैं। सो 1 2 3। तो दोस्तों डिस्क स्पीड भी अगेन Realme 7 स्मार्टफोन में ओपन हुई है, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हो ये भी कैलकुलेट होने स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर Realme 7 ने अपनी स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर ली है जैसे कि आप लोग देखते हो। तो यहाँ पर रीड स्पीड आई है 478 MB और राइट आई है 206। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट दूंगा Realme 7 को, जबकि Realme 6i अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा, मतलब काफ़ी पीछे है Realme 6i। यहाँ पर अभी 70-80% के करीब यहाँ पर हुई है। तो डिबेट करते हैं भाई कितनी देर में होता है यहाँ पर Realme 6i का। तो दोस्तों Realme 6i की स्पीड भी आ चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पर जो राइट स्पीड में उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ 92 स्पीड आई है जबकि यहाँ पर 206 आई है। तो राइट स्पीड में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं यहाँ पर Realme 7। अब इसको यहाँ पर कट कर देते हैं दोस्तों। तो अब हम ओपन करते हैं यहाँ पर YouTube, देखते हैं YouTube कहाँ पर पहले ओपन होता है। सो 1 2 3। तो दोस्तों YouTube भी अगेन यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में ही पहले ओपन हुआ है। ओपन करते हैं Instagram, और दोस्तों इंस्टाग्राम भी यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में ही पहले ओपन हुआ है। अपन ओपन करते हैं कैमरा भी यहाँ पर अगेन Realme 7 स्मार्टफोन में ही पहले ओपन हुआ है। ओपन करते हैं फ़ोन मैनेजर दोस्तों लगभग सिमिलरली ओपन हुए हैं दोनों स्मार्टफोन में, लगभग एकदम इक्वल था, तो यहाँ पर किसी को भी पॉइंट नहीं मिल पाएगा। ओपन करते हैं फाइल मैनेजर, तो दोस्तों फाइल मैनेजर भी यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में पहले ओपन हुआ है, मतलब भाई लोड तक नहीं हुआ, ये इतने ज़्यादा फास्ट चल रहा है यहाँ पर। करते हैं सेटिंग भी दोस्तों लगभग सिमिलर ओपन हो गया, फिर हल्का सा आगे था Realme 7, तो यार Realme 7 को एक पॉइंट देना बनता है, हल्का सा फ़र्क था, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्पीड थी। फाइल्स को ओपन करते हैं, तो अगेन यहाँ पर Realme 7 आ गए, Realme 7 में ओपन पहले हुई है फाइल्स। ओपन करते हैं न्यूज़,
तो दोस्तों अगेन यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन जो है आगे है, यहाँ पर न्यूज़ भी पहले ओपन हुए। ओपन करते हैं Realme स्टोर, तो अगेन यहाँ पर Realme 7 आ गए, यहाँ पर Realme स्टोर पहले ओपन हुआ। ओपन करते हैं थीम स्टोर, तो यहाँ पर अगेन Realme 7 आ गए, थोड़ा पहले ओपन हो गया, बट दोस्तों यहाँ पर उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का फुल्का सा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ओपन करते हैं हम जीमेल, तो अगेन दोस्तों यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में पहले ओपन हुआ है। ओपन करते हैं अमेज़ॉन, अगेन दोस्तों अमेज़ॉन भी Realme 7 स्मार्टफोन पर पहले ओपन हुआ है। ओपन करते हैं हम गूगल क्रोम, गूगल क्रोम भी अगेन यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में पहले ओपन हुआ है। ओपन करते हैं प्ले स्टोर, प्ले स्टोर भी अगेन यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में पहले ओपन हुआ है। ओपन करते हैं यहाँ पर फेसबुक, फेसबुक भी अगेन यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में ही पहले ओपन हुई है। अब दोस्तों ओपन करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, देखते हैं भाई किस में पहले ओपन होता है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, जबकि Realme 6i में अभी ओपन हो रहा है। बाकी अभी मैं इसकी साउंड को जो है बंद कर देता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स की। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जबकि यहाँ पर अभी Realme 6i काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर Realme 7 स्मार्टफोन में ओपन हो चुका है यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो तो यहाँ पर Realme 7 को एक पॉइंट मिलेगा। बाकी दोस्तों मैं आपको जो है ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ सेटिंग्स में जाकर मैं आपको ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ Realme 7 स्मार्टफोन की, तो ग्राफिक क्वालिटी आपको जो है वेरी हाई मिल जाती है, जबकि फ्रेम्स आपको सिर्फ हाई का ऑप्शन मिलता है। तो बाकी आपको यही पॉसिबल ग्राफिक सेटिंग मिलती है यहाँ पर। और दोस्तों फाइनली अब जो है Realme 6i स्मार्टफोन में भी ओपन हो चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, और यहाँ पर भी मैं आपको ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आपसे बात करूँ मैं Realme 6i स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो ग्राफिक्स मिलते हैं वो आपको वो भी सिमिलर मिल जाते हैं जैसे कि आपको Realme 7 में देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्राफिक्स वेरी हाई आपको मिल जाएंगे और फ्रेम आपको हाई मिल जाएंगे। तो सिमिलर है आपको ग्राफिक सेटिंग, दोनों स्मार्टफोन एकदम सिमिलर हैं, बट जो पहले ओपन हुआ है वो है Realme 7। बाकी दोस्तों अगेन यहाँ पर जो है लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया Realme 6i ने। अब ओपन करते हैं Fall Dude 3D, और दोस्तों ये जो Fall Guys गेम है ये उसका आप अल्टरनेट कह सकते हो स्मार्टफोन का, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा वैसे मेरे को ये गेम। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर Realme 7 विनर है, यहाँ पर Fall Dude भी यहाँ पर पहले ओपन हुआ है, जबकि Realme 6i में अभी ओपन हो ही रहा है। तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं मेमोरी में सारे ऐप हैं या नहीं, या फिर लोड हो गए, रिफ़्रेश हो गए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम से, स्टार्ट कर लेते हैं पहले कि भी इंस्टाग्राम लोड हुआ है मेमोरी में है। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की मेमोरी में है इंस्टाग्राम, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, हम देख लेते हैं क्रोम को, देख लेते हैं क्रोम। तो दोस्तों क्रोम जो है दोनों ही स्मार्टफोन में रिफ़्रेश हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हम यूट्यूब को। तो दोस्तों यूट्यूब भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में रिफ़्रेश हो गया, जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर Fall Dude को। तो दोस्तों Fall Dude भी यहाँ पर दोनों ही की मेमोरी में है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हम Call of Duty को। Call of Duty भी दोस्तों यहाँ पर दोनों की मेमोरी में है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पर रिफ़्रेश होने में थोड़ा टाइम ले लिया Realme 6i ने, जबकि Realme 7 में जो है ईजिली यहाँ पर रिफ़्रेश हो गया। तो दोस्तों मेमोरी वाइज यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों ही स्मार्टफोन्स की मेमोरी में जो ऐप थे वो थे, और जो रिफ़्रेश हुए हैं वो रिफ़्रेश हुए हैं। बट दोस्तों स्पीड के मामले में Realme 7 काफ़ी ज़्यादा आगे रहा Realme 6i से। इसने हर ऐप, ऑलमोस्ट हर ऐप इनने जो है पहले ओपन कर रहा है Realme 6i से। बट दोस्तों यहाँ पर जो है गीक बेंच के स्कोर थे वो Realme 6i के पहले आ गए, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसको एक पॉइंट मिलता है, जबकि Realme 7 में यहाँ पर सारे ऐप पहले ओपन हुए, तो यहाँ पर आपको 19 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि स्पीड के मामले में दोनों ही फ़ोन जो है लगभग सिमिलर से ही है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट फिर भी हल्का फुल्का आपको बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी Realme 7 स्मार्टफोन में, क्योंकि दोस्तों इसके जो बेस वेरिएंट है यहाँ पर आपको 6GB रैम मिल जाती है, जबकि जो Realme 6i इसके बेस वेरिएंट में आपको 4GB रैम मिलती है, और मेरे पास 4GB रैम वाले ही यहाँ पर वेरिएंट है, और G95 का भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यही था स्पीड टैप दोनों स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, हल्का फुल्का सा फ़र्क है, बट फिर भी Realme 7 में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना इस वीडियोस और देखने के लिए, और मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड लास्टली थैंक फॉर वॉचिंग।